साल होगा। आपने 2 साल के 17 सालों में इस शहर के अंदर काफ़ी चेंजेस भी देखी, काफ़ी चीज़ें काम होते हुए भी देखी है। कोई भी काम सिर्फ 5 साल में नहीं होता है। आज जो यहाँ का जो प्रेजेंट MLA है वो पूरे शहर में बोर्ड लगाता है और ये कहता है कि सारा काम 5 साल में पूरा हुआ। गार्डन, प्लेग्राउंड, गैस, बस, पानी, वाटर, ड्रेनेज 5 साल में पूरा हुआ। आपके हमारा परिवार होता है, संतान होती है तो उसको भी नियोजन करना पड़ता है कि बच्चा बड़ा होगा तो कौन से स्कूल में जाएगा, कौन से कॉलेज में जाएगा, कौन कहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, क्या पढ़ेगा, उसकी इंश्योरेंस करनी पड़ती है, एजुकेशन के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, फिनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है। तो अगर एक परिवार के लिए इतना सोचना पड़ता है तो एक शहर बनाने के लिए कितना सोचना पड़ा होगा। मैं पहली बार 1985 में नगर सेवक यूथ कांग्रेस का सिर्फ प्रेसिडेंट बना था मीरा रोड का, तभी यहाँ की आबादी सिर्फ 11,000 था और 91 में पहला नगर सेवक बना, तब आपका ये इलाका कुछ भी नहीं था, सिल्वर पार्टी जस्ट बन के कम्प्लीट हुआ था। सिल्वर पार्टी भी लोगों ने 96 में वोटिंग किया पहली बार, तब मेरा वार्ड सिल्वर पार्क में बल्कि प्लेजेंट पार्क तक था। तो मैं 2 टर्म नगर सेवक तो खुद रहा यहाँ पर, मगर उसी पेज पे हमने पूरे शहर की प्लानिंग करी और इसके अंदर आप जब देखोगे मैनिफेस्टो आप लोग तक के पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, इसमें आपको देखने मिलेगा कि किस तरह से हमने काम किया। मीरा भयंदर में बस चालू हुई BST 92-93 ये हमने किया। 64 का भी मीरा रोड आपके सामने है, 2000 का भी आप लोग जब यहाँ पर आए हैं, कई लोग तो माइग्रेट हुए शांति नगर से, हुए ना आपने से कई लोग शांति नगर से नहीं, शांति नगर से यहाँ पे कई लोग माइग्रेट हुए, तो आप लोगों ने इस शहर को 90 से भी देखा है, 2000 में भी देखा है और आज भी देखते हैं, मतलब 20 साल से आप इस शहर को देखते हैं। तो शहर के अंदर जो कुछ भी बना, शमशान हो, जॉगर्स पार्क हो, कब्रस्तान हो, बरियल ग्राउंड हो, हॉस्पिटल है, मॉर्ग रूम है, लाइब्रेरी है, बस सर्विसेस है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है, ये सारी चीज़ को नियोजन किया गया, जिसका नियोजन हमने 91 में किया, 91 से 95 तक किया, उसके बाद में शहर बनना चालू हुआ तक जाकर के 25 साल में एक वीरान जमीन महानगर है। आज अगर कोई आके कहता है कि 5 साल में हमने बना दिया, तो सवाल ये उठता है, जैसा मैं आज ये चुनाव लड़ रहा हूँ तो आपके सामने अपना मैनिफेस्टो लेकर आया हूँ, अगर आपके पास कोई आता है MLA कैंडिडेट तो उसको पूछिएगा कि आपका 5 साल पहले का मैनिफेस्टो किधर है और उस मैनिफेस्टो में आपने क्या प्रॉमिसेस किया था, उसमें से कौन सा काम पूरा हुआ। 63 करोड़ लाकर मुझे हटाना है, 5 साल पहले उनके मैनिफेस्टो में था कि वो हटाएंगे, 5 साल केंद्र की सरकार उनकी रही, राज्य की सरकार उनकी रही, उन्होंने 2 लाख का हट दिया क्या 5 साल में। कल रेलवे मंत्री आए थे, हमने अपने जाहिरनामे में मीरा रोड लोकल शुरू करने की बात करी है, भयंदर से स्पेशल ट्रेन, महिला स्पेशल ट्रेन शुरू करने की बात करी है। कल पीयूष गोयल जी को BJP ने लाया था, मगर पीयूष गोयल जी ने एक वर्ड भी मीरा रोड ट्रेन के लिए या महिला स्पेशल या भयंदर से एडिशनल ट्रेन के लिए एक वर्ड भी बात नहीं किया। जब उनको किसी ने कहा कि भाई यहाँ ट्रेन चालू होना चाहिए तो बोलते कुछ जमीन आप उपलब्ध करके दो। रेलवे मंत्री अगर ऐसी बात करे तो मुझे अचंभा लगता है कि उनको यही पता नहीं कि बोरीवली से धानू 6 ट्रैक रेलवे का प्रस्ताव 20 साल से हम लोग प्रयास करते हैं, हम प्रयास करता हूँ, तो वो प्रस्ताव है और अगले 2-5 साल में उसका 2-3 सालों में उसका काम शुरू होने का है। मीरा रोड लोकल शुरू करने का प्रस्ताव जब हमने पहली बार 2 ट्रैक से 4 ट्रैक किया, 9 डब्बे से 12 डब्बे किया, ये यहाँ पे हमारे वो योगेश याग्निक बैठे हुए हैं, वो दुबे जी हैं, इन लोगों को लाल जी है, उनको पता है कि कितने आंदोलन हमने किया तब जाकर के मीरा रोड स्टेशन और रेलवे का विकास हुआ। रेलवे परिसर आपने देखा क्या परिस्थिति थी 2000 में 2005 में, आज मीरा रोड स्टेशन कितना आलीशान बना है, 2-5 साल में नहीं हुआ, सारी चीज करने को हमको 20-35 साल है। इन 20-35 सालों में हमारे पॉलिटिकल कैरियर पे व्यक्तिगत भी
कहीं पे आपको एक करप्शन का या शहर में किसी को सताने का, परेशान करने का इल्ज़ाम या दाग आपको नहीं मिलेगा। सुना है कि आप लोगों ने कभी जो मुजफ्फर हुसैन ने करप्शन किया, भ्रष्टाचार किया, किसी को परेशान किया, सताया? अगर आज बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसके बारे में तो रोज टीवी में, व्हाट्सएप में, न्यूज़पेपर में आता है कि 22 केसेस है, क्रिमिनल केसेस है, एंटी करप्शन का केस है, एक्सटॉर्शन का केस है, लैंड ग्रैबिंग का केस है, या बाजू में आर एन ए कोटियाड है, उसकी एसटीपी की जमीन, उसके ऊपर बोर्ड लग गया 7/11 का, पूरे शहर के अंदर बोर्ड लग गया है। गवर्नमेंट का लैंड रिकॉर्ड तो कहा जाता है 7/12, लेकिन मीरा भयंकर के अंदर लैंड रिकॉर्ड का टाइप नाम चेंज होकर 7/11 बन गया है। 7/11 किसका पता है ना आपको? तो वो अच्छा नारा है, इंदिरा जी के टाइम पे भी नारा दिया गया था कि भाई गरीबी हटाओ, इन्होंने भी अच्छा नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, मगर यहाँ पर उल्टा काम है, यहाँ सबका साथ अपना विकास, सिर्फ अपना विकास। 5 साल पहले अभी ये इलेक्शन कमीशन का कायदा है कि 5 साल पहले आपके पास पिछले 5 साल में कितनी धन संपत्ति थी वो आपको एफिडेविट में देना पड़ता है। तो 2007 में भी ये नगर सेवक था, इंडिपेंडेंट था, हमारी मेजोरिटी थी, मैं उपमहापौर था, उसके बाद तो मैं विधान परिषद में सदस्य बन गया, तो ये इंडिपेंडेंट था, हमारे पीछे घूमते रहता था कि मेरे मंडल में गणपति दर्शन को आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, और एकदम अचानक आज बोलता कि मैंने 5 साल में सब कुछ बना दिया। तो मुझे अभी पूछने का वक्त आ गया है कि भाई तुम्हारे पास अलाउद्दीन का चिराग कहाँ तुम रखते हो, हमको बताओ, ताकि हम भी जो है ये शहर की जो समस्या है पिछले 5 साल से अपनी जगह पे थैम सी गई है, रुक सी गई है, उसका हल करें। हमने इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बनाया, मैं MLC बना, अपने फंड से इंदिरा गांधी का हॉस्पिटल बनाया, ब्लड बैंक बनाया, लाइब्रेरी बनाया, मॉर्ग रूम बनाया। आज उस हॉस्पिटल में से 40,000 लोग दवा लेते हैं। मेरी 7 MLC फंड से 7 डायलिसिस की मशीन वहाँ पे लगी है। शहर में सबसे बड़ी लाइब्रेरी 20,000 स्क्वायर फीट की हमने बनाई। इन्होंने क्या किया, पिछले साल वो लाइब्रेरी को आधी बंद कर दिया, म्युनिसिपैलिटी का दफ्तर चालू कर दिया। एक ही ब्लड बैंक है पूरे शहर के अंदर,